स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के सिलवानी में एसडीएम को पीएम आवास में अपात्रों को लाभ दिए जाने पर जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सिलवानी तहसील कार्यालय में बुधवार को नगर के दर्जनों लोगों ने मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम पीएम आवास में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर एसडीएम संगमित्रा बोध को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नागरिकों ने बताया कि 2017-18 में नगर परिषद के द्वारा पात्र लोगों को पीएम आवास की लिस्ट में शामिल किया गया था, उन्हीं अपात्र लोगों को आज पीएम आवास का लाभ दिया जा रहा है और नागरिकों ने मुख्यमंत्री एवं जिला कलेक्टर के नाम सिलवानी नगर के पीएम आवास योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच को लेकर मांग की गई है। और नागरिकों का कहना है कि जो जमीनी स्तर पर गरीब व्यक्ति और जिनके पास आज भी कच्चे मकान है उन्हें पीएम आवास से वंचित कर दिया गया है। नगर परिषद प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर शासन की जन कल्याणकारी योजना में फर्जीवाड़ा किया गया है, इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। संबंध में एसडीएम संगमित्रा बौद्ध का कहना है कि बिल्कुल सही है, पूर्व में भी कुछ शिकायतें आई थी और पीएम आवास में पात्र लोगों को लाभ दिए जाने को लेकर जांच की गई है। इस संबंध में सीएमओ को निर्देशित किया गया है, जैसे ही सूची मिलती है आगामी कार्रवाई की जाएगी। सिलवानी बमोरी से संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट। छोटेलाल आदिवासी, क्या समस्या है आपको? हमारी ये समस्या, हम 3 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं, सर्वे सूची में नाम होते हुए भी नाम चेंज कर देते हैं कुटीसन में, और जो पात्र नहीं उनकी कुटीसन आ रही है और हम गरीब परेशान हो रहे हैं और किसी की नहीं आई। नगर पंचायत के भी चक्कर काट रहे हैं, सर्वे आश्वासन दे देते हैं कि इस बार सूची में आएगा नाम आपका। अब आप ये बताओ कि सूची कब समाप्त होगी हम लोगों के नाम की? कब नाम आएगा? का 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, का कोई नए मंत्री जी आ जाएंगे उसके बाद आएगा। वोट देने के लिए सब अधिकारी आ जाते हैं कि अपने वाले हैं, हिंदू धर्म का वास्ते लेते हैं और आखिर हिंदुओं की मतलब गरीबों की परेशानी सबसे मेन चीज है। क्या नाम है आपका? दादाभाई। वार्ड नंबर कौन सा? क्या परेशानी है आपको? हमारी कुटीर नहीं आ रही, हमारे ससुर के नाम की आई थी तो वो काट दी गई, फिर हमारा परमट भी काट दिया गया, फिर हमने फार्म भरा, हमारा परमट चालू हुआ, फिर हमारे कुटील के फार्म भरे तो उसमें नाम आया तो उसमें भी काट दिया। अब हमारा टपरिया है कुछ नहीं। किसने काटा नाम? हेमंत भाई ने 10,000 रुपये मांग दिए हैं, 10,000 हम यहाँ से दें। ये बार बार नगर परिषद में कुटीरों की शिकायत आ रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही है, पूर्व में भी कई शिकायतें प्राप्त हुई थी और आज भी एक शिकायत आई है। वर्ष 2017-18 में जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया था लाभार्थियों को, वो शिकायत ये हो रही थी कि अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिया गया है, तो जाँच के लिए आज एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और जो नए नाम जोड़े जाने हैं उनके लिए भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इस संबंध में सीएमओ को निर्देशित किया गया है, 3rd DPR उनको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, आज दिनांक तक 3rd DPR प्रस्तुत नहीं की गई है। जैसे ही सूची मिलती है तो आगामी कार्रवाई हमारे दल द्वारा की जाएगी और पूर्व में जो स्वीकृत हुए थे उनकी भी जांच के लिए निर्देशित किया गया है सीएमओ।